नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार समेत देश भर में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। कोरोना काल ने इस समस्या को और ज्यादा ही बढ़ाने का काम भी किया है, क्योंकि कोरोना काल में कई लोगों की नौकरियां छिन गई थी, जिसके कारण देश भर में बेरोजगारी का ग्राफ और ज्यादा बढ़ गया। इसी बीच अब बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है, जिसके तहत ही मोदी सरकार ने अब अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों को नौकरी देने की योजना बना दी है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश जारी किया है कि सरकार अब अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करे। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीते दिन अपना ट्वीट जारी करते हुए इसकी आधिकारिक जानकारी साझा कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार साल 2014 में सत्ता में आई थी, तब से ही देश में केंद्र की सरकार भर्तियों में कमी देखने को मिली है, जिसके बाद ही अब केंद्र सरकार ने जो ऐलान किया है उसके अनुसार रोजगार की तलाश में भटक रहे युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। अक्सर मोदी सरकार रोजगार को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही होती है, लेकिन अब मोदी सरकार खुद ही एक्शन मोड में आ गई है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर सभी मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधन की समीक्षा कर ली है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए अगले 1.5 साल में केंद्र सरकार के तमाम विभागों में 1.5 लाख पदों पर भर्ती करने की बात कही है, जो मोदी सरकार बनने के बाद से अपने आप में सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के विभागों में 1 मार्च 2020 तक 8.72 लाख पद खाली पड़े हैं, इनमें से अब और बढ़ोतरी होने वाली है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये निर्देश काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे वक्त में जब देश के कई पढ़े लिखे नौजवान नौकरी के लिए मोहताज नजर आ रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार का ये निर्णय यकीनन राहत देने वाला है, क्योंकि आमतौर पर तो केंद्र की सरकार चुनाव से पहले रोजगार मुहैया करवाने के दावे करती ही आई है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या रही है इससे आप भी वाकिफ जरूर होंगे। कोरोना काल में बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे सामान्य स्थिति की तरफ लौटाया तो जा रहा है, लेकिन अभी भी देश में बेरोजगारी की दर घट रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों में ये जानकारी मिली है। CMIE के मासिक आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर फरवरी में 8.10% थी, जो मार्च में घटकर 7.6% रह गई। 2 अप्रैल को यह अनुपात और घटकर 7.5% रह गई। शहरी बेरोजगारी की दर 8.5% और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये 7.1% रही। हालांकि आंकड़े अप्रैल महीने तक के ही है, उसके बाद भी बेरोजगारी की समस्या में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है, जिसके बाद ही अब केंद्र सरकार के इस नए ऐलान के साथ ही उम्मीद यही है कि बेरोजगारी की समस्या झेल रहे देश के युवाओं को नौकरी मिलेगी और बेरोजगारी की समस्या और बेरोजगारी नाम का कलंक देश भर से खत्म होगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।